आज मैं एक नया रेसिपी बनाऊंगी लौकी की हलवा। तो देखिए, लौकी के हलवा बनाने के लिए मुझे चाहिए लौकी और कुछ ड्राई फ्रूट ले लिया और चीनी और थोड़ा सा घी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए, कढ़ाई में थोड़ा सा घी दे देती हूँ। देखिए घी गर्म हो गया, अभी मैं इसमें दे देती हूँ ड्राई फ्रूट। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। निकल लिया ड्राई फ्रूट, अभी मैं इसमें लौकी दे देती हूँ। थोड़ा टाइम लौकी को फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए ये फ्राई हो गया, अभी मैं इसमें दे देती हूँ दूध। दूध जब उबालना शुरू हो जाए तब इसमें देना है चीनी। और देखिए मैं इधर एक लौकी लिया था तो उसको कद्दूकस करके फिर पानी निचोड़ के 250 ग्राम हुआ है, और चीनी भी मैंने 250 ग्राम दिया और दूध दिया 1 लीटर। अब ये दूध को पूरा सुखाना है। गैस को मैं हाई फ्लेम पे कर दिया करके अभी इसको चलाना है। जब दूध उबालना शुरू हो जाए तब इसमें दे देना है चीनी। देखिए दूध उबालना शुरू हो गया है, अभी मैं इसमें दे देती हूँ चीनी। देखिए अभी इसको जब तक ये दूध सूख ना जाए तब तक इसको ऐसे ही पकाना है। देखिए दूध अच्छे से सूख गया है, अभी मैं इसमें दे देती हूँ ड्राई फ्रूट और गैस को स्लो आंच पे रख देती हूँ। और थोड़ा टाइम इसको और पकाना है, ड्राई फ्रूट देने के बाद उतना नहीं पकाना है। देखिए लौकी का हलवा रेडी है, अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए मैं प्लेट में खाली कर लिया। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा नया नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।